कोरिया जिले में पुलिस ने एक बार फिर नशे के जखीरे को बरामद किया, साथ ही नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राजेश शाहू ने बताया कि 15 अगस्त से मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति बस से कुछ नशीली दवाएं बेचने के लिए लेकर जा रहा था, तभी पटना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डुमरिया तिराहे के पास संदेही आरोपी संदीप रजवाड़े की तलाशी ली गई। उसके पास अवैध नशीली दवा इंजेक्शन बरामद हुए, जिनकी कीमत 1,91,400 का एचएच बॉयल, 10 ml का 550 नग कीमती, 1,26,880 कुल 3,18,280 होना पाया गया। मौके पर बड़ी मात्रा में नशीली मादक पदार्थ बरामद कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। डुमरिया तिराहा से एक पिट्ठू में एक संदिग्ध व्यक्ति संदीप राजवाड़े मिला, उसकी विधिवत तलाशी लिया गया। तलाशी पे उसके पास से 1100 नग ब्यूप्रोपाइन डॉल्फिन और एविल वायल वायलिन के मिले हैं, सिरप वगैरह लिक्विड्स वगैरह। चूँकि ये वाणिज्यिक मात्रा के है, इसलिए 22 NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर इसमें कार्रवाई किया जा रहा है। इसी इंट्रोगेशन में और भी इसका सोर्स का पता लगाया गया है, तथा इसमें कुछ और लोग भी सम्मिलित हैं, उनके बारे में भी पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई, रेड कार्रवाई या पता साझी किया जाएगा।